लॉकडाउन के कुछ ही दिन के लिए लूट जैसी वारदातें करने वाले अपराधी शांत बैठ गए थे, लेकिन अब फिर से लूट की वारदातें जोर पकड़ने लगी हैं। होड़ल के तीन सातिर अपराधियों ने पहले इन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए एक बाइक छीनी, फिर उसी बाइक से वारदात को अंजाम दिया। जी हाँ, होड़ल में एक के बाद एक तीन अपराधियों ने तीन लूट की वारदातों को अंजाम दिया और होडल पुलिस के लिए यह सरदर्द बन गए। हैरत की बात यह है कि यह तीनों अपराधी होडल गड़िया मोहल्ले के रहने वाले हैं और होडल थाने के कुछ ही दूरी पर रहते हैं। इन्होंने पहली वारदात होडल के निकट 12 तारीख को डाड़का के निकट एक बाइक व 1000 रुपये छीने, इसी बाइक का इस्तेमाल और वारदातों में किया था। फिर इसके बाद इन्होंने एक महिला से सोने की चैन छीनी, जिसके बाद होडल बाईसी मोहल्ले में लूट की नीयत से एक मकान में घुसे थे, लेकिन मकान मालिक ने शोर मचाने पर यह भाग खड़े हुए। इन्होंने कुछ ही दिनों में एक के बाद एक वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस को इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई। तीनों अपराधियों को अब जाके पकड़ा गया है। पुलिस ने दो अपराधियों को जेल भेज दिया है, एक मनोज को अदालत में रिमांड पर लिया गया है। सर, ये जो तीन आरोपी पकड़े हैं सर, क्या मामला है, किस आरोप में पकड़े हैं, क्या कार्रवाई की आप? इनमें से एक का नाम तो दुष्यंत है, दूसरा मनोज है और तीसरे का नाम रवि उर्फ लल्ली है। तीनों गढ़िया मोहल्ला होडल के निवासी है। इन्होंने 12 तारीख को डाडका रोड से एक मोटरसाइकिल छीनी थी, 1000 रुपये छीने थे। वो 1000 रुपये रवि लल्ली और दुष्यंत से बरामद कर लिए और इसने जो मोटरसाइकिल है उस पे इस मनोज नाम के लड़के को उन्होंने दे दी थी, उसका हमने 2 दिन का रिमांड लिया। और इन दोनों का एक और मुकदमा था, इन दोनों ने एक मोटरसाइकिल इसी मोटरसाइकिल पे एक चैन छीनी थी रावियम पट्टी होटल से, उसमें इनको जेल के आदेश हुए हैं और चैन हमने बरामद कर ली है। और दुष्यंत और रवि लल्ली ने, एक लड़का सुंदरलाल था उसकी जमानत हो चुकी है, पहले इनको पेश किया था। इन्होंने घर में 11 अप्रैल को वारदात करने से घुसे थे 22 मोहल्ले। तीन वारदात हमारी इनसे सुलझी है और फिलहाल दो के जुडिशियल वारंट का आदेश हुआ, एक मनोज को हमने मोटरसाइकिल रिकवरी के लिए रिमांड पे लिया हुआ है, 2 दिन तक कोर्ट ने उनको रिमांड पे दिया। तो अब क्या कार्रवाई, किस क्या किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज करके? जो मोटरसाइकिल छीनी थी 379B का परचर दिया उसमें, और चैन वाला 379A में लूट में आता है, इनके खिलाफ उसके तहत कार्रवाई की है। इनके दो के नीम का जेल का आदेश हुआ है, एक हवलदार को कुलदीप को भेजा है वहां छोड़ने के लिए और मनोज को हमने रिमांड पर लिया। और सर, जिस मकान में घुसे थे, मतलब किस क्या इन्होंने क्या कहा, उसमें किस नियत से घुसे थे? उसमें ये वारदात करने की नियत से, वारदात में कुछ भी हो सकता है, कुछ लूटपाट के इरादे से भी हो सकते हैं, और कोई वारदात कर सकते हैं, मतलब उसमें घुसने वाले थे। लेकिन उस औरत ने बड़ी सजगता से काम लिया, कुंडी बंद कर ली, इन्होंने कट्टा उस पर ताना था, कट्टा भी हमने रिकवर कर लिया उसमें।